एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज मैं आई हूँ कांगड़ा के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पालमपुर के ट्यूलिप गार्डन में। ये गार्डन CSIR कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इस गार्डन में विजिट करवाऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पालमपुर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा ट्रैवल डेस्टिनेशन है। ये प्लेस धौलाधार के पहाड़ों और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ों में बनाया गया है सुंदर ट्यूलिप गार्डन। इस वीडियो में मैं आपको इस प्लेस पर विजिट करवाऊंगी और यहाँ की टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन और बाकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्यूलिप गार्डन के बारे में सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले कश्मीर के नज़ारे दिखाई देते हैं, पर अब पालमपुर में इंडिया का सेकेंड ट्यूलिप गार्डन ओपन हो चुका है। ये गार्डन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में CSIR कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है और यहाँ एंटर करने से पहले आपको गेट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आप कैंपस में एंटर कर सकते हैं। इस गार्डन में एंट्री फ्री है और आपको यहाँ कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन जैसे ही नज़ारे दिखाई देंगे। ट्यूलिप गार्डन पालमपुर का इनॉग्रेशन फरवरी 2022 में गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर जी ने किया था। यहाँ पर 6 तरह के 50,000 से भी ज्यादा फ्लावर्स लगे हुए हैं। इन ट्यूलिप्स को 21 रोज में लगाया गया है और गार्डन से सामने की तरफ आपको बर्फ से ढके हुए धौलाधार के पहाड़ दिखाई देंगे, जिससे ये गार्डन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। यहाँ पर आप बहुत सारे इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन के टाइमिंग्स 9:30 से 5:30 तक होती है और ये गार्डन हर साल जनरल पब्लिक के लिए मिड ऑफ फेब से मिड ऑफ मार्च तक ओपन रहता है। ट्यूलिप्स को ग्रो करने के लिए 6 to 7 मंथ्स का टाइम लगता है और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी तैयार करती है। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।